नमस्कार दर्शकों, मैं शिवांगी भारद्वाज और आप देख रहे हैं जी न्यूज। एक बार फिर से वक्त आ गया है जानने का कि क्या क्या खास हुआ है आपके शहर में। आज बरेली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अशफाक सकलानी के नेतृत्व में उवैस खान ने अपने साथियों के साथ में भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उवैस खान ने बताया कि भाजपा से जनता परेशान हो चुकी है, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश को आगे लेकर जा सकती है। भाजपा को छोड़ जनता इस बार कांग्रेस का चुनाव करेगी। सिर्फ प्रियंका गांधी में ही क्षमता है जो देश को आगे ले जा सकती है और किसान मजदूर आदि को उनका हक दिलवा सकती है। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संघर्षशील अध्यक्ष आदरणीय हमारे अजय कुमार लल्लू जी, कांग्रेस की नीतियों से और उनसे प्रभावित होकर हमारे विधानसभा क्षेत्र बहेड़ी के जो मजबूत साथी हैं, जिन्होंने समाज सेवा के रूप में काफ़ी लंबा संघर्ष किया है और लोगों की मदद करते हैं, हमारे उबैस भाई, हरीश कुमार गंगवार जी, मेवाराम मौर्य जी, तस्लीम अंसारी साहब और दया शंकर दिवाकर जी, इन तमाम साथियों ने आज तमाम अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं इनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उत्तर प्रदेश और जनपद बरेली में जिस तरीके से आदरणीय प्रियंका गांधी जी से प्रभावित होकर उनको संघर्ष को देखते हुए हमारे अजय कुमार लल्लू जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके संघर्ष को देखते हुए तमाम लोग आज उनसे प्रभावित हैं और कांग्रेस की नीतियों में आस्था रखते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आपने देखा, पिछली समय में भी हमने तमाम सभासदों से लेकर प्रधानों की ज्वाइनिंग कराई थी, आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की है। मैं पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से इनको विश्वास दिलाता हूँ कि इनके सम्मान के लिए इनके साथ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी हमारा सारा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व हो या जिला नेतृत्व हो, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलेगा और इनको सम्मान देने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आज इन्होंने हमारे इस समय में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए इन्होंने काम करने का काम किया है। मैं इनका तहे दिल से आदरणीय प्रियंका गांधी जी की तरफ से, अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी की तरफ से इनका पार्टी में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दिलीप भाई का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे साथ में हमारे इस विधानसभा बहेड़ी के प्रभारी, हमारे ज़िले के महासचिव भाई बशीम अकरम साहब और हमारे ज़िले के सचिव भाई आदरणीय हमारे दिलीप गंगवार जी यहाँ ज्वाइनिंग के समय मौजूद थे और हमारे दोनों साथियों ने गाँव गाँव और ब्लॉक ब्लॉक लेवल पर जाने का काम कर रहे हैं। इन तमाम साथियों का भी मैं दिल से अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए कांग्रेस पार्टी की सही दिशा देने के लिए, कांग्रेस को मजबूती के लिए इन तमाम साथियों की ज्वाइनिंग कराने का काम किया है। मैं इनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और पुनः इनका सबका, उबैस खान जी, हरीश कुमार गंगवार जी का, रेवाराम मौर्य जी का और तस्लीम साहब, दया शंकर जी का मैं दिल से पुनः कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी में अब तक काम कर रहे थे हमारे उबैस भाई, अल्पसंख्यक मोर्चा में पदाधिकारी थे, इन्होंने आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और हमारे गंगवार साहब, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सदस्य रहे थे, आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लिए, मैं इनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं उवैस खान, आज माननीय अध्यक्ष जी की माननीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में अपने सह साथियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में हम आए हैं। हम एक ऐसी पार्टी में निष्ठा रखते हैं जिसने सिर्फ देश का विकास किया है, ना कि जिसने देश को उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी रखा है। हम ऐसी पार्टी के हाथ में अपना हाथ दे रहे हैं जिसने युवाओं को रोज़गार दिया है, देश में विकास किया है। ऐसी पार्टी का साथ छोड़ना है जिसने युवाओं से रोज़गार छीना है,
गरीबी बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और समाज में जिस तरीके से आज एक दूसरे के साथ भेदभाव है, समाज में भ्रष्टाचार है, आज ऐसी पार्टी को हम छोड़ के कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी की मौजूदगी में। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।